नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आरोही फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल के क्यूटी पाई तथा नंबर वन डांसर तेरिया फुंजा मगर के बारे में, जिसने अपने डांस से पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में ही धूम मचा दिया था। सुपर पेंड ऑफ फैंटाबुलस की फैंटाबुलस। दरअसल दोस्तों तेरिया मगर डांस इंडिया डांस लिल मास्टर 2014 के कंटेस्टेंट रही थी और उस शो के विनर भी रही थी। आप यकीन मानो कि तेरिया जब भी स्टेज पर आती थी एकदम से तबाही मचा देती थी। वहां पर बैठे जज तथा वहां के ऑडियंस के साथ साथ हर कोई को झूमने पर मजबूर कर देती थी। दोस्तों आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि तेरिया मगर नेपाल के रुद्रपुर से बिलोंग करती हैं। एक नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करने वाली तेरिया ने नेपाल का नाम भारत के साथ साथ कई देशों में रोशन किया है। You truly are a hero when you perform. It was magical, absolutely magical. तेरिया ने डांस इंडिया डांस में तो विनर बनना ही बना, लेकिन उसके बाद फिर इंडिया के बहुत बड़ा एक डांसिंग शो है जिसका नाम है झलक दिखला जा। दोस्तों तेरिया मगर झलक दिखला जा सीजन 9 यानी 2017 के भी विनर रही थी। दोस्तों बात करें झलक दिखला जा शो की, तो दोस्तों यहां पर तेरिया ने भारत के 101 डांसर को हराकर विनर बनी थी, जो बहुत ही प्राउड की बात है। दोस्तों भारत के इतने बड़े बड़े डांसिंग शो का विनर बनने के बाद तेरिया अब क्या करती है? तो दोस्तों आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तेरिया देश तथा विदेश में डांसिंग शो परफॉर्म करती है और यकीन मानिए कि उनका शो किसी बड़ा सुपरस्टार से कम ही में नहीं होता है। दोस्तों तेरिया मगर बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़ा स्टारडम पर पहुंच चुकी है, बहुत बड़ी स्टार बन चुकी है। दोस्तों वो चीज़, वो स्टारडम, वो जगह पे पहुंचने के लिए ना जाने कितने लोग कितने साल मेहनत करते हैं, उस जगह पे पहुंच चुके हैं तेरिया मगर। दोस्तों क्या आप तेरिया मगर के बारे में जानते थे या नहीं, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेपाल के नंबर वन डांसर तथा फ्यूचर सुपरस्टार तेरिया मगर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नेपाल से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखें अपना और अपने चाहने वालों का। धन्यवाद, खुदा हाफिज़, हैव अ नाइस डे।